तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूं बहुत बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने घर पे किस तरह से हम लोग बढ़िया से मोबाइल स्टैंड देख सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो सर्कल करा है ये हमने इसलिए करा है, जैसे हम यहाँ पे फोन रखते हैं तो ये डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम यहाँ से केबल को निकाल सकते हैं और फोन को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ईजी है, और किस तरह से लाएंगे बिल्कुल मात्र 10 रुपये में, जो घर पे बेकार बिजली फिटिंग की PVC पाइप पड़ी होती है उससे आप उसकी शीट बना के उसको बिल्कुल इससे स्टैंड आसानी से बना सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है घर में, अब बहुत काम की चीज़ होती है। और दोस्तों फोन को ऐसे भर के भी मतलब आपके जो हाथ होते हैं वो दुख जाते हैं, तो इसको हमने स्टैंड को बनाया है। वैसे यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है, हमने भी सोचा हम बना देते हैं दोस्तों। और जिस तरह अगर आपको वीडियो इसका अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को पूरी एंड तक देखना, चैनल पे नया आया जो भी वो सब्सक्राइब कर लेना। और फिर दोस्तों चलो चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों मोबाइल स्टैंड बनाने के लिए सामान चाहिए, देख सकते हैं दोस्तों हमने एक पीवीसी पाइप की शीट बना ली है दोस्तों, कुछ इस टाइप से आप अपने घर पे बना सकते हो गैस चूल्हे के ऊपर रख के। ये 28.5 सेंटीमीटर के हिसाब से मतलब 29 सेंटीमीटर के करीब है दोस्तों, ये देख सकते हैं। फिर हमने क्या करा है, इसके ऊपर मार्किंग कर दी, उसके सेंटीमीटर आपको दिखा देता हूँ। ये 9 सेंटीमीटर यहाँ से, ये 10 सेंटीमीटर, और ये हमने यहाँ पे गोला कर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बस वीडियो में बने रहना। ये 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, अंदर से देख सकते हैं ये 1.5 सेंटीमीटर दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम कट कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दो दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको हम काट लेते हैं, ये सनमाइका कटर की मदद से हम इसे काट लेंगे। और वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना आए देखने में, और जिससे आप पूरी वीडियो देख सकते हो, और करीबन 10-11 मिनट के ही बनी है दोस्तों, हमने फास्ट कर दी है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगली वीडियो में कौन सा प्रोजेक्ट की चाहिए मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं अगली वीडियो की तैयारी करने लग जाऊँ कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। बस मेरे को कमेंट कर देना कि अगली वीडियो में आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए दोस्तों। सनमाइका कटर से बहुत अच्छी तरह कट जाता है दोस्तों, अब कैंची की वजह से हम इसको यहाँ से काट देते हैं, मतलब ये जहाँ से हम काटेंगे वो बिल्कुल पतला हो गया, या तो आप हाथ से भी काट सकते हो, हम आपको कैंची से काट के दिखा रहे हैं। कुछ इस टाइप से हमने काट लिया है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम साइड में से, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से काटेंगे इसको हम, ये देख सकते हैं। अब हम इस साइड से काट देते हैं बिल्कुल आसानी से, ये देख सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल मात्र 10 रुपये का खर्चा आया, जो घर पे बिजली फिटिंग वाली पाइप होती है उसकी मदद से हमने इसको बनाया है, और बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। अब देख सकते हैं हमने पूरी वीडियो डिटेल से बनाई है, जिससे आपको कुछ जरा से भी प्रॉब्लम ना आए इसको बनाने में। और दोस्तों ये देख सकते हैं साइडों में भी हम आपको काट के दिखा रहे हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप से हम इसे आपको काट के दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। हम बिल्कुल इसको अच्छी तरह काट देंगे दोस्तों, और ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हम इसे काट देंगे, हमने बिल्कुल अच्छी तरह काट दिया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब हम जो करेंगे हम आपको अच्छी तरह डिटेल से बताएंगे, ये देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ ये कट चुका है। सैंड पेपर की मदद से हम इसे रगड़ लेंगे जिससे इसकी फिनिशिंग आ जाए, कुछ इस टाइप से हम इसे अच्छी तरह सैंड कर लेंगे साइडों की, इसकी जो आगे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कट रहा है उसे हम अच्छी तरह सैंड पेपर से अच्छी तरह घिस लेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बढ़िया अगर एक प्रोजेक्ट बनाते तो उसे अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाना चाहिए हमें। जो बीच में हमने मार्किंग करी थी उसको हम काट देंगे दोस्तों। अब हमें क्या करेंगे दोस्तों, जो ये सर्कल है इसको हम शोल्डर की मदद से काट देंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं शोल्डर, देख सकते हैं हमने फास्ट कर दिया है वीडियो 2x कर दी है, जिससे 2.2x कर दिया जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बोर भी ना हो दोस्तों। कुछ इस टाइप से हम इसे अच्छी तरह इसका जो होल है हमने ठीक से, जो सर्कल हमने काटा था उसे हम निकाल देंगे दोस्तों, कुछ इस टाइप से, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। हम क्या करेंगे जब हम इसे निकाल देंगे तो हम इसकी फिनिशिंग का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, हम इसको अच्छी तरह जब हम निकाल लेंगे तो इसकी हम फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह कर देंगे, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं हम इसकी फिनिशिंग कर दी है। अब हम लेंगे एक लाइटर, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने मार्किंग करी है ना दोस्तों वहाँ पर हम इसी लाइटर को चलाएँगे,
देख सकते हैं यहाँ पे हम लाइटर को अच्छी तरह चलाएंगे। हमने वीडियो फास्ट कर दी है थोड़ी सी, लगभग लगभग हमने वीडियो ज़्यादा फास्ट ही करी है। हमने कुछ इस टाइप से जो हमने अभी दिखाया हम मोड़ दिया है। अब हम आपको एक दिखा देते हैं हमने कैसे मोड़ा है इसको। हमें यहाँ पे हमें लाइटर से अच्छी तरह इसे गर्म करा जिसे पिघल गया, फिर हम इसको अच्छी तरह गैस की स्केल की मदद से हमें अच्छी तरह मोड़ लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसको भी हम अच्छी तरह मोड़ लेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से स्केल लिया हमने, इसको हमने इस टाइप से मोड़ दिया। ये देख सकते हैं अच्छी तरह हम इसे मोड़ देंगे कुछ इस टाइप से। ये देख सकते हैं हमने मोड़ दिया है दोस्तों। फिर आगे क्या करना है दोस्तों, हमें जो इसकी आपको लाइन दिख रही है दोस्तों, अब आपको ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइन है ना जो दोस्तों, इस पर हम लाइटर से अब यहाँ पे हम लाइन इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइटर अच्छी तरह रख कर करते रहेंगे जिससे गर्म हो जाए और पिघल जाए। फिर हम इससे इसको हम अच्छी तरह मोड़ दें दोस्तों। मैं आपको पूरी वीडियो डिटेल से बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहें। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो अगर अभी तक लाइक नहीं करी है प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक कर दो दोस्तों। यहाँ पे हम अच्छी तरह लाइटर से कर देंगे जिसे पिघल जाए। और मैं आपको दिखाऊंगा स्केल से क्या करेंगे हम दोस्तों। हम बिना स्केल की वजह से भी कर ही सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमने कर दिया है दोस्तों। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा मोड़ के तोड़ ही ना दो इसको, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ इस टाइप से हमने मोड़ दिया है आधा, बिल्कुल मतलब ये 90% कम्प्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो साइड वाली लाइन है बीच वाली लाइन जो दोस्तों, उसके ऊपर हम लाइटर करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हम इसके ऊपर लाइटर कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह, जिससे ये भी पिघल के अच्छी तरह हम इसको भी पूरा बना ले। और बिल्कुल 5 मिनट का काम होता है दोस्तों इसे बनाने में, पर मैंने थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए बनाई जिससे आप अपने घर पे बना सको। ये देख सकते हैं ये भी कुछ इस टाइप से पूरा बन चुका है दोस्तों। और हर घर की ज़रूरत है ये मोबाइल फ़ोन स्टैंड। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देख सकते हैं दोस्तों लुक कैसा लग रहा है। आप इसे साइड पेपर की मदद से घिस लेना। ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह कॉन्स्टेंट बन चुका है। मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये बहुत मतलब अगर हमें मूवी वगैरह देखनी है अपने मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन में तो हम यहाँ पे रख के बिल्कुल अच्छी तरह देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो सर्कल मतलब होल मैंने इसलिए करा है मतलब अगर ये फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ से हम केबल भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम इसकी टेस्टिंग मतलब अच्छी तरह फ़ोन वगैरह रख के दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब आप अपनी वीडियो चला देते हैं। और जैसे अगर चार्जिंग नहीं है इसमें तो ये पीछे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से कुछ इस टाइप से हम इसको ले जाएंगे। ले सकते हैं चार्जिंग पे लग चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में बड़ी ऐसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और कमेंट करते रहो कि आपको अगले प्रोजेक्ट में कौन सी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जय हिंद जय भारत।